हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे। सो हमने और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी वीडियो देखने शुरू किए होंगे। इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का एक मैंने चैप्टर इंक्लूड किया है, जिसमें हम जो आपका थर्ड चैप्टर है बेसिकली एनसीईआरटी के सिलेबस में, आप देखेंगे ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो इसमें हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है, और आज जो हम बात करेंगे वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर्स का। सो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर्स क्या होते हैं, उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और दो तीन कंडीशंस होती हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर से रिलेटेड, हम वो डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और उन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपको ये मिलेगा कि आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आप आसानी से कर पाएंगे। आप देखेंगे कि अगर आपको वो कंडीशंस याद हैं, अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स के जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर वो आपको याद है, तो इस तरीके का कोई भी सवाल आपसे कभी छूटेगा नहीं। और बहुत ही इजी होते हैं, थोड़ी सी बारीकी से इसको देखना है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है, और समझने के बाद आपको ये महसूस होगा कि इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठा के देख लें या कहीं से भी सॉल्व करें तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे और आपको कहीं भी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप ध्यान से इस वीडियो को आगे देखेंगे। जो भी मैं कंडीशंस डिस्कस करूंगा उन कंडीशंस को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और उसका इस्तेमाल आप इस तरीके के क्वेश्चंस में आगे जाके करेंगे। तो एक बार डेफिनेशन से शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें यह लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल व्हिच हैज ए कॉमन पॉइंट which has only one solution is called consistent inconsistent dependent none of this। कैसा पेयर है? consistent system होता क्या है? तो consistent system ये होता है, मगर मैं उसका definition लिखूं। consistent system होता है if I take a pair of linear equation। linear equation को आपको मालूम होगा, आप ax plus by plus C इज इक्वल टू जीरो, अगर दो वेरिएबल्स में हम इसको लेते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से हम उसको अब दिखाते हैं। ए पेयर मतलब हम दो इक्वेशंस की स्टडी एक साथ में करेंगे, तो उसे हम लिखते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो ये मेरा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो। अब इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होगा? तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस शुड हैव और मस्ट हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट होता है सिस्टम अगर आप देखें जिसमें नो सॉल्यूशंस होता है, इस पेयर का कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। बट ये आते कैसे हैं? इसको समझने के लिए हमें दो तीन कंडीशन समझने होंगे अच्छे से। तो कंडीशन क्या है वो आप देखेंगे कि अगर आपको अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, तो उसमें दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के तीन केसेज आते हैं। वो क्या तीन केसेस हैं वो समझने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप किसी लाइन को, किसी लीनियर इक्वेशन को अगर आप उसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पे प्लॉट करोगे तो वो एक लाइन आता है समथिंग लाइक दिस। अगर उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो, अगर उसका ग्रेडियंट नेगेटिव है तो लाइन कुछ ऐसे बन के आएगी। अब अगर आप दो लाइन अगर प्लॉट करते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो तीन कंडीशन बन के आते हैं। पहला कंडीशन आपको यहां दिख रहा है जहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको। सो अगर
दो इक्वेशंस ऐसे हैं कि वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, एक्स वन वाई वन पे, तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, उसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और उसकी कंडीशन क्या है, मैं आगे ये आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा कंडीशन है कि आपने दो लाइंस ड्रॉ की और दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये लाइंस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कोई भी एक कॉमन पॉइंट अगर आप एक्स वन वाई वन उठा ले अगर कोऑर्डिनेट प्लेन से, तो वो एक्स वन वाई वन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों पे लाई करें, क्योंकि ये पॉइंट सॉरी ये जो लाइंस है वो दोनों पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट इनमें कॉमन नहीं है। अगर कोई एक पॉइंट कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब है कि यहां से हमें नो सॉल्यूशन का केस निकल के आता है। और तीसरा केस है जहां पे लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप करती हो, कोइंसाइड करती हो, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एक तो लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन मैं ये ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ऐसे ये कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी। तो अगर ये कोइंसाइडिंग लाइंस है तो आप देखिए, अगर ये लाइन L1 है रेड वाला और ब्लैक वाला लाइन L2 है, L1 एंड L2 के बीच में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि L1 एंड L2 के बीच में कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो आप मुझे मालूम है आपका आंसर होगा, आप बोलोगे बिकॉज ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे दोनों के बीच में। एंड इसीलिए इस कंडीशन में, ये जो भी कंडीशन है जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इस कंडीशन में आपको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे। एंड ऐसे केस में ये दो लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसमें आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जो हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला और डेफिनेशन, उसमें हमने ये कहा था कि अगर ए वन सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको ये मालूम होगा कि ये फर्स्ट केस जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, और ये थर्ड केस जहां पे हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, ये दोनों ही कंसिस्टेंट है। और ये अकेला केस जहां पे हमें नो सॉल्यूशन मिल रहा है, ये इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को डिफाइन करते हैं। और मैंने ग्राफ बना के और लाइंस प्लॉट करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे एक कंसिस्टेंट सिस्टम में आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा जब उसके पॉइंट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जब एक जगह पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अगर वो ओवरलैप करें तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आपके आ जाएंगे, फिर भी वो कंसिस्टेंट है। और अगर वो पैरेलल है तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं होंगे दोनों लाइंस के बीच में, और आपको वहां पे नो सॉल्यूशन का केस मिलेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज अ कॉमन पॉइंट एंड इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, सो इट विल बी कंसिस्टेंट पेयर। व्हाई? बिकॉज अगर आपका एक सॉल्यूशन मिल गया या इनफाइनाइटली मेनी मिल गया तो हमारा कंसिस्टेंट पेयर आएगा। अगर नो सॉल्यूशन है तभी इनकंसिस्टेंट पेयर है। कि इस दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 represents coincident line. Coincident line means जो लाइन ओवरलैप कर रही हो एक दूसरे को। तो आप उस केस में देखेंगे तो मैंने जैसा आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर एक सोल्यूशन आए या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आए, तो को इंसिडेंट लाइन के केस में आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। और उस केस में हमारे पास सोल्यूशन है, एक है या इनफाइनाइटली मेनी है, हमारा आंसर हमेशा कंसिस्टेंट पेयर होगा अंटिल एंड अनलेस अगर हमको नो सोल्यूशन वाला केस मिल जाए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो
तो तीसरे क्वेश्चन में हम ये समझते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या है जब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन, जब हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे और जब हमें नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर मैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 लिखता हूं, तो इस केस में तीन फर्स्ट कंडीशन है, अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा है अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है, ये वन इंटरसेक्शन, फर्स्ट वाला वन इंटरसेक्शन का कंडीशन है, ये यहां पे आप देखें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन है। और जो थर्ड वन है जिसमें हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, उसका है a1 by a2 is b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2, तो उसको हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये तीन केस है हमारे, और आगे के जो हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ वो इन तीनों तीनों जो हमारे कंडीशंस है उस पर डिपेंडेंट होंगे। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बाकी के क्वेश्चंस में मैं ये डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक चीज ये गौर करने वाली है कि अगर आप इन इक्वेशंस को देखते हैं तो ये a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, और यहां पे अगर आप देखें तो ये c1 c2 को इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो जनरली इस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम, बिकॉज अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये -c1 हो जाएगा और ये -c2 हो जाएगा। तो हम जब ये इक्वेशन लिखते हैं तो या तो आप इसको इधर ले लें, तो आप इसको k1x - y - 2 = 0 लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप इसे इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं और ये अगर ax plus by plus c के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आप c1 c2 को नेगेटिव कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है कि जब भी हम इस तरीके के सॉल्यूशंस को देख इक्वेशंस को देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये इक्वल टू साइन के उधर लिखा हुआ है तो हम ये इसको नेगेटिव करके चलते हैं और बाद में हम नेगेटिव कैंसिल करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं और इसका अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो इसे अगर मैं कंपेयर करूं a1x plus b1y is equal to c1 और a2x plus b2y is equal to c2 से, और मुझे पता है कि मेरा कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का a1 a2 not equal to b1 b2 है, तो a1 की वैल्यू यहां k है, a2 की वैल्यू 6 है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू b1, आप देखेंगे नेगेटिव 1 है, हम हमेशा साइन के साथ लिखते हैं यहाँ पे, और b2 -2 है। जनरली मैंने स्टूडेंट्स को गलतियां करते हुए देखा है कि ये साइन लिखना यहाँ पे भूल जाते हैं और उसमें बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। तो हमेशा इवन इफ कि अगर आपको दिख रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है, करते टाइम अगर थोड़ी सी सावधानी आप बरतेंगे, अगर ये साइंस के साथ लिखेंगे आपको, तो फिर आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा सुधरेंगे उस केस में। और मैं यहाँ पे लिख के इसको कैंसिल कर दिया, So, इसको k/6 नॉट इक्वल टू 1/2 मैंने इसको लिखा, और यहां से k≠6/2 जो आपको देता है k≠3। तो अगर आप उन तीनों कंडीशंस को यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने पहला कंडीशन यूज किया, तो आपके आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे। इसमें एक चीज जो नोट करने वाली है, जो मैंने पहले भी बोला कि साइंस के साथ लिखें और आप फिर नेगेटिव कैंसिल करें, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स उसमें बहुत कम होंगे। तो आप यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी, तो हम k =
और कि नॉट इक्वल टू थ्री वाले ऑप्शन को क्लिक टिक करके आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो ऑप्शन बी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए और मैंने पहला कंडीशन यूज किया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है और उसने दो इक्वेशंस दे रखी है। तो जो ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं वो a by a plus ax plus by is equal to c के फॉर्म में दे रखी है। तो मैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन लिखता हूं a1 by a2 is equal to b1 by b2 एंड दैट इज इक्वल टू c1 by c2। और मुझे पता है कि a by b और a1 a2 2 4 है, b1 b2 3k है, C1 C2 510 है, so that is 1/2 is equal to 3/k, 5/10 is equal to 1/2। अब ये 1/2 है, इसको 1/2 के होने के लिए k की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो कहीं से भी आप ले लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करेंगे तो आप पाएंगे कि k comes out to be 2 into 3 और फिर k को हम लिखेंगे 6। So, यहां से k की वैल्यू 6 आती है और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आता है। सो आप देखेंगे कि इस क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, मैं वो तीन कंडीशंस बार बार यूज करता जाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे कि क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus y minus 3 is equal to 0 and 5x plus ky plus is plus 7 is equal to 0 has no solution। अब no solution का क्या condition है? तो आपको मैंने बताया कि आपको लिखना है a1 by a2 is equal to b1 by b2 that is not equal to c1 by c2। So हम k की value केवल यहां से निकालूंगे। इसको मैंने किस लिए लिखा? इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक बार जब हमारी k की वैल्यू आ जाएगी तब हमें ये देख लेना होगा कि कहीं ये c1 by c2 का कंडीशन जो नॉट इक्वल टू है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनरली वो पूरा होगा, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कि वो पूरा हो रहा होगा, बट जो k की वैल्यू निकालनी होगी वो केवल यही इसी कंडीशन से आएगी। आप देखेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है, x के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो a1 1 है। a2 यहां पे देखिए सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सो वो 5 है, फिर b1 है y का कोएफिशिएंट वो 2 है, b2 है वो y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में वो k है। सो यहां से मैं k की वैल्यू निकालता हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप पाएंगे k 2 into 5 है एंड ये 10 आ जाता है इक्वल टू, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज अगर आप देखें, सो ये 1/5 है, ये 2/10 भी 1/5 हो जाता है और अगर आप C1 C2 रखें तो आप देखेंगे कि ये इक्वल नहीं होता है, ये -3/7 आएगा यहाँ से। तो इसका मतलब है कि इसका कोई सलूशन नहीं होगा, ये लाइंस पैरेलल हैं दोनों और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हुआ और हमने जो फॉर्मूला सॉरी जो कंडीशन यूज किया उसमें हमने यूज किया a1/a2 जो b1/b2 के बराबर है और ये दोनों मिलकर c1/c2 के बराबर नहीं है। और हमने क्वेश्चन के लिए केवल पहला वाला a1/a2 is equal to b1/b2 यूज करके k की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आया यहाँ से। अब हम अगर क्वेश्चन 6 के तरफ आगे बढ़े तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x plus 5y is equal to 0 and kx plus 10y is equal to 0 has a non-zero solution. Non-zero solution मतलब कि इसका solution नॉन जीरो हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम यहां से मुझे k की वैल्यू निकालनी है। k किसका कोएफिशिएंट है? k x का कोएफिशिएंट है। तो मैं ये क्या करता हूं कि मैं यहां से y की वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं, या हम ये भी कर सकते हैं कि यहां पे हम लिखते हैं a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 और अगर हमने ये लिख लिया तो आप लिख सकते हैं 3/k is equal to 5/10। non-zero solution के लिए ये equal होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? ये 2 हो गया। और अगर आप cross multiply करें तो k आता है 2 into 3। So k के लिए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो या तो आप यहाँ से
3x is equal to minus 5y लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप y की जगह पे इसको x से रिप्लेस करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। सो नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, तो आप यहां से लिखें कि x एंड माइनस 5y इज इक्वल टू 3x, तो इस ये 2 इंटू 5y है, सो मैं इसको 2 इंटू माइनस 3x इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। ये सेकेंड मेथड है सॉल्व करने का। तो यहां से मुझे के एक्स माइनस 6x इज इक्वल टू 0 मिलता है, और x के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो यहां से अगर x नॉन जीरो है, सो k माइनस 6 हैज टू बी 0, सो k इज इक्वल टू 6। तो ये ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एक या दो तरीके लगा के अपने आंसर्स को कंफर्म कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, और जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। और हम इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है। सो क्वेश्चन 7 कहता है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 7 एंड a + bx + 2a - by = 21 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इसने बोल ही दिया है कि मुझे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए, तो हम अपना कंडीशन फटाफट से लिख लेंगे। हमारा कंडीशन क्या था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का? जब मैं ये लिख रहा हूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बोलेंगे और फिर इसको लिखेंगे फटाफट से। सो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। मुझे उम्मीद है सारे लोगों ने अभी तक इसको याद कर लिया होगा, और जैसे ही मैंने आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला तो आपके दिमाग में ये कंडीशन बिल्कुल आ जानी चाहिए। सो आप इसे फटाफट से लिख लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। So, हमारी a1 की वैल्यू है x, पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, a2 की वैल्यू है पहले दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a + b, फिर हमारे b1 की वैल्यू है पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3, हमारे b2 की वैल्यू है दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2a - b, और c1 7 है, और c2 दूसरा कांस्टेंट है वो 21 है। So, यहां से मुझे क्या आता है, मैं यहां पे लिखता हूं 2 by a plus b is equal to 3 by 2a minus b and 7 by 21 1 by 3। मैं एक एक करके, तो पहले मैं इसे फर्स्ट और ये थर्ड को एक साथ लिख के एक इक्वेशन बनाता हूं, 2 by a plus b is equal to 1 by 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है, a plus b is equal to 6, और फिर उसके बाद मैं दूसरे वाले को लिखूंगा 3 बाई 2 ए माइनस बी और दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी सिंपल है, 2 ए माइनस बी इज इक्वल टू 9। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। मैं मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, और इसे मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूंगा। तो मैंने पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के नीचे लिख दिया और मैं इसको ऐड कर रहा हूं। जब मैं ऐड करूंगा सो 2a plus a 3a हो जाएगा, माइनस b plus b 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 plus 6 15 हो जाएगा। सो a क्या हुआ 5, 15 by 3। और अगर a 5 है सो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, 5 plus b is equal to 6, सो b कितना आता है 6 minus 5, वो कितना आता है 1। सो कौन सा आंसर आपका मैच करता है, a 5 और b is equal to 1, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें यहां तो आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा ही रहा है, आगे आप देखेंगे कि जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो हमारे डिस्कशन में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका चेक कर लिया उसने, और ये करने के बाद आपको आपका आंसर ऑप्शन बी a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 मिलता है। तो हमने देखा कि अगर हमें कंडीशंस अगर अच्छे से पता हो, अगर हम कंडीशंस को पकड़ के चलें, अगर हम तीनों कंडीशंस को याद रखें और उसको बारीकी से देखें, अगर उस पे हमने दो चार क्वेश्चन किए हुए हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कितने आसान हैं। ये क्वेश्चंस मतलब अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तीन ही कंडीशन है, उसी तीन में से कोई एक आना है, और वो तीन कंडीशंस के जो यूसेज है वो आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूं। तो आपका एक ये एफर्ट होना चाहिए कि जैसे ही
आप वो तीन कंडीशन याद करें, इन क्वेश्चंस को करें, साथ में कुछ और भी क्वेश्चन करें ताकि आप उसको बिल्कुल एकदम अपना बना सके। कि क्वेश्चन अगर इस तरीके के एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल वो छूटने ना पाए। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन के साइड। आप फिर से ये बोल रहा है कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अब आपको डेफिनेशन पे जाना है। अभी तक हम नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे थे। यहाँ पे उसने नो सॉल्यूशन नहीं बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा उसने आपका डीपर कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए नो सॉल्यूशन की जगह पे उसने इनकंसिस्टेंट बोल दिया। लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो वो पढ़ के बैठे हुए हैं कि इनकंसिस्टेंट क्या है। इनकंसिस्टेंट वो चीज है जो जहां पे हमको नो सॉल्यूशन मिलता है, लाइंस पैरेलल होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता है, तो उसके वजह से वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, नो सॉल्यूशन का केस है। फटाफट से क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लिखेंगे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2, और वो लिखने के बाद हम वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे। सो हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3/2k-1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 है, एंड प्लस k-1 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। और माइनस क्यों, क्योंकि वो उधर है, राइट साइड पे है, इक्वल टू साइन के। सो -2k+1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड, मैंने अपनी आदत बना रखी है अच्छी, हम कैंसिल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है कई बार इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होता है, और हम अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं, नहीं देखते हैं, उसमें बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को गलतियां करते हुए देखा है। सो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका मुझे मालूम है कोई यूज नहीं है, के की वैल्यू आने के बाद ही इसका कोई यूज है, के की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे। सो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहां से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, 3k-1 इज इक्वल टू 1 × 2k-1। तो हम इसको लिखते हैं 3k-3 एंड वो बराबर हो जाता है 2k-1 के। 3k वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव हो जाता है, -3 राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आ जाता है, k इज इक्वल टू। अब k इज इक्वल टू 2 के बाद इनकी वैल्यूज क्या है, सो 3 2k 2 × 2 इज 4, 4-1 इज 3, सो 3/3 दिस इज 1/2-1, सो 1/1, 3/3 इज एनीवे 1/1, नॉट इक्वल टू 1/2 × 2+1 5। सो आप देखेंगे कि ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। सो हमारा ऑप्शन डी निकल के आया, कंडीशंस फुलफिल हुई और कितनी आसानी के साथ हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो हमें, मैं बार बार ये आपको बोल रहा हूं कि कंडीशंस याद करिए, कंडीशंस याद करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। ये क्वेश्चन में एक कंडीशन पहले ही दे रखी है, अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ू आपके लिए, इफ ए एम इज नॉट इक्वल टू बी वाई देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एम। नाउ अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और अगर मैं वो तीन कंडीशंस अपने याद कर रहा हूंगा दिमाग में, तो मैं दो ही कंडीशंस के बारे में सोचूंगा। आपको मैं टाइम देता हूं 5 सेकंड्स का, सोचिए कौन से दो कंडीशन। ओके, वो दो कंडीशन होंगी नो सॉल्यूशन, क्योंकि नो सॉल्यूशन वाले में नॉट इक्वल टू साइन था, या वो कंडीशन होगी यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन वाले में भी नॉट इक्वल टू साइन था। डिफरेंस कहाँ आता है कि यूनिक सॉल्यूशन वाले में a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b, मुझे c1 c2 की तरफ जाना ही नहीं है, और नो सॉल्यूशन वाले में a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल टू था, बट वो c1 by c2 पे इक्वल टू नहीं था। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा केस फुलफिल कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा a1 by a2 a by l है और b1 by b2 b/m है। सो a by l b/m के बारे में अगर बात हो रही है तो a1 by a2 b1 by b2 के बारे में बात हो रही है, c1 by b2 c2 के बारे में जो cnn है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही इस कंडीशन। इसका मतलब कि एक ही केस पॉसिबल है यूनिक सॉल्यूशन का। कैसे, मैं आपको बताता हूं।
एम अगर बीएल के बराबर नहीं है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या आप देखेंगे एल को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो ये डिनोमिनेटर में आ गया ए बाई एल, और एम को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, सो ए बाई एल नॉट इक्वल टू बी बाई एम। सो यहां से मैं लिख सकता हूं ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, क्योंकि ए वन बाई ए टू ए बाई एल है और बी वन बाई बी टू बी बाई एम है। सो यहां से कौन सा कंडीशन निकल के आया? यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन निकल के आया। सो इस क्वेश्चन में आपको उसने कंडीशन देके सॉल्यूशन पूछा, दूसरे क्वेश्चंस में उसने क्वेश्चन दिया और फिर आपसे कंडीशन अप्लाई करा के आपसे सॉल्यूशन निकल रहा है। सो दोनों तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल है। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, और खास करके इन इस तरीके के क्वेश्चन में आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल हो जाते हैं। यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन, दोनों का केस पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्योंकि ये a1 a2 b1 b2 से रिलेटेड था, जहां a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन यूनिक आ रहा। हो सकता है कि उसने c और n को यूज करके एक क्वेश्चन निकाला होता और यहाँ पे आंसर नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, आपको सारे कंडीशन चेक करने पड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी ज्यादा जरूरत है हमें, ताकि हम सही आंसर्स को टिक कर सकें। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन और हम देखेंगे कि ये बोलता है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 7 and 2ax plus a plus by is equal to 28 has infinitely many solutions। फिर से वही क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप कंडीशन के बारे में सोचिए। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप उसे सोच चुके होंगे। कंडीशन बहुत सिंपल है, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, सॉरी इक्वल टू बी वन बाई बी टू एंड दैट इज इक्वल टू सी वन बाई सी, तीनों बराबर। सो हम लिखते हैं टू ए टू टू ए हो जाता है, फिर हम लिखते हैं बी थ्री बाई ए प्लस बी हो जाता है, और ये हो जाता है सेवन बाई ट्वेंटी एट विद अ नेगेटिव बिकॉज ये इधर है, सो ये गया, इसको वन बाई फोर लिखेंगे। सो मेरा टू बाई टू ए इज वन बाई फोर, सो 2a 8 आता है और a 4 आता है। इफ a इज 4, सो 3 बाई 4 प्लस b, क्योंकि a को मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे, वो 1 बाई 4 आता है। सो यहाँ से 4 प्लस b 12 आएगा और b 8 आएगा। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का सॉल्यूशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, सो ऑप्शन c एंड d कभी मेरे आंसर नहीं हो सकते हैं। नाउ a इज इक्वल टू 2b, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, नॉट पॉसिबल। So, कौन सा आंसर है? b इज इक्वल टू 2 इंटू 4, सो b को हम 2a लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा, यहाँ पे ऑप्शन b करेक्ट है, इस वीडियो में आपने देखा कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पेयर्स के क्वेश्चन और उससे जो तीन कंडीशंस निकल के आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कितनी आसानी से हम अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें डेफिनेशन पता हो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर्स का, और हमें वो तीन कंडीशन पता हो ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू जो यूनिक सोल्यूशन के लिए है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू जो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए है, और ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू जो नो सोल्यूशन के लिए है। अगर वो तीन कंडीशन और डेफिनेशन पता है तो हम आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे, और आप पाएंगे कि कभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को करते हुए कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, आप बार बार इन तरीके के क्वेश्चंस को सही करेंगे अगर थोड़ी सी आपने सावधानी बरती, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मुझे उम्मीद है आप अवॉइड करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये श्योर शॉट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे हमें गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो ये यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियोज के साथ हम जरूर जल्दी मिलेंगे, हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस के अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।